लो 5 करोड़ रुपए एडवांस। ये बॉम्ब और बारूद, इनसे तुम बॉम्बे और पूरे महाराष्ट्र में जैसा मैंने कहा काम पूरा करो। ये काम हर हाल में खत्म करोगे तुम, बाकी के 30 करोड़ स्विस बैंक में तुम्हारे नाम हो जाएंगे। भाइयों बहनों, आप लोगों से बहुत जरूरी बात इस मुसीबत के समय मुख्यमंत्री के रूप में बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। शांति और अमन से रहने वाले हमारे देश में ऐसी एक भयानक घटना हो गई। हमारे भारत देश की उन्नति और खुशहाली को रोकने, हम लोगों को आपस में भड़काने, कुछ विदेशी ताकतें पूरे राज्य में घुस के हमें बर्बाद करना चाहती हैं। हम हिंदुस्तानी काफी समय से एक होकर रह रहे हैं, उसमें फूट डालने के लिए हमारे देश के बड़े शहरों बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में बम फोड़कर हमें नुकसान पहुंचाया है। अब वो चाहते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर जनता में फूट पड़ जाए और लड़ मरे। ये बड़ी समझदारी से उन विदेशियों ने जाल बिछाया है। प्यारे देशवासियों, ये आप समझ लीजिए, इस जाल में हम नहीं फंसेंगे। हमारे बीच धर्म और मजहब की दीवार कभी नहीं आएगी। प्राकृतिक सौंदर्य और हिंदुस्तान की अमन और शांति का प्रतीक था कश्मीर, लेकिन आज उग्रवादियों का अड्डा बन गया है। विदेशियों के जाल में फंसकर उनके इशारों पर जंग करके देशद्रोही बन रहे हैं हमारे भाई। हमारा राज्य तो सिर्फ एक अंग है भारत का, लेकिन भारत माता की रक्षा करने के लिए सबसे आगे हमारा राज्य होना चाहिए। ऐसे देशद्रोही ग्रुप का बहुत जल्दी खात्मा करूंगा मैं, उनके इरादों को जल्द से मिटा दूंगा। यही लक्ष्य है अब मेरा। उनके इरादों को जल्द से मिटा दूंगा, यही लक्ष्य है अब मेरा। अच्छा, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। Attack!
इंडिया की मिलिट्री जिस जगह को ढूंढ नहीं पाई, तुम साधारण पुलिस वाले कैसे पहुंच गए यहां तक? अच्छा है, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। वैसे तुम्हारे स्वागत करने का पूरा इंतजाम करने वाले तुम्हारे फ्रेंड को पहले धन्यवाद बोलना होगा। पहले बोल दो वायरलेस से, इस जगह के लिए कब तुम निकले, कैसे पहुंचे यहां तक। अब मेरे सामने हो, ठीक वैसे ही बता दिया। उसे तुम सब जानते हो, तुझे भी पता है, तू भी जानता है। जानते हो कौन है? पुलिस वाला। देखो, तुम्हारे शव को देख के पुलिस वाले ऐसे भयभीत होंगे कि वो यहां का रास्ता तक भूल जाएंगे। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है राजा? जय हिंद। इंडिया तुम्हारी जय। जय हिंद। तिरंगा बोलो जय हिंद। हिंदुस्तान की जान तिरंगा बोलो जय हिंद। ये देश शहीदों का जिसको खून चाहे सींचा, ये देश शहीदों का जिसको खून चाहे सींचा, ये गांधी जैसे महानों की भूमि। मातृभूमि की शान तिरंगा बोलो जय हिंद। हिंदुस्तान की जान तिरंगा बोलो जय हिंद। परचम तो एक है, कौमें कितनी हो परचम एक है, हो नगमे कितने ही सरगम तो एक है, नगमे कितने हो सरगम एक है, मुझको प्राण से भी है प्यारा देश मेरा, धर्मो ईमान से भी है प्यारा देश मेरा, बलिदानों की ये सरजमी, आंसू लहू सह गंगा ये देश, अग्निपथ पह चला ये देश। शहीदों ने सर दे दिए ऐसे वतन को हमारा प्रणाम। मातृभूमि की शांति रंगा बोलो जय हिंद। हिंदुस्तान की शांति रंगा बोलो जय हिंद। अनेकों पर देश एक है, भाषा हो अनेकों है, हो मतलब कितने ही उद्देश्य एक है, मतलब कितने हो उद्देश्य एक है, वतन
तुम परत तो जाओ सब होकर एक लड़ो देश के जो दुश्मन हो तुम उस पर टूट पड़ो तूफान की तरह बढ़ो तुम भगत सिंह है दया अमर शहीदों की है इंडिया देश पे जो कुर्बान हुए ऐसे जवानों को अपना प्रणाम मातृभूमि की शान तिरंगा बोलो जय हिंद हिंदुस्तान की जान तिरंगा बोलो जय हिंद के देश शहीदों का जिसको खून सहती जान एक गांधी जैसे महानों की भूमि पासपोर्ट में चेक कर सकती हूँ थैंक यू Thank you.
आ गया चाचा, तुम्हारी फोटो पेपर में आई है, देखो। ये बात है क्या चाचू? तुम्हारी फोटो ही हमेशा पेपर में छपती है, मेरे पिताजी की फोटो तो कभी नहीं छपती। सुनो, तुम्हारे पिता का मैं क्या लगता हूँ? छोटे भाई। भैया बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ? भैया ही बड़े हुए। इसीलिए अगर मेरी फोटो पेपर में आई है तो तेरे पिताजी की फोटो टीवी में आएगी। अच्छा, तो पिताजी की फोटो टीवी में आएगी चाचू? टीवी में आएगी। थैंक यू। अरे बाप रे, तुम्हारा बजट तो लोहे जैसा है चाचू। मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, इसीलिए बड़ा स्ट्रांग हूँ। क्यों चाचू, मैं भी एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी बॉडी भी ऐसी स्ट्रांग होगी। जरूर, थोड़े दिनों में हो जाएगी, देखो अभी से स्ट्रांग है। क्यों माँ, पूजा खत्म हो गया क्या? आज का अखबार देखा? मैंने देखा। अपने बेटे को देखा? आशीर्वाद तो मुझे। अरे अरे, पहले अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद तो ले। क्यों माँ, भूल गए क्या? क्या? माता पिता गुरु भगवान, इनमें माँ का स्थान पहला। जब देखो अपनी माँ को मस्का लगाता रहे। चाचू, ये सब तुमने सीखा मेरे पिताजी से ना? ए, तुम्हारे पिता से नहीं, अपने पिता से। क्यों माँ? हमेशा ऐसी जीत मिलती रहे तुमको, भगवान करे तुम जिंदगी भर ऐसी खुशखबरी देते रहो। भाभी, भैया उठ गए? उन्हें तो एक्सरसाइज रूम में का एक घंटा हो गया। भैया गुड मॉर्निंग। क्यों भाई, पंक्चुअलिटी चेकअप करना नहीं आता क्या? जो अब तक सो रहा था। कल रात मुझे सोने में देर हो गई थी इसलिए। भारत, एयरपोर्ट में कल तुमने जो साहस का काम किया, मिनिस्टर्स उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सीएम ने भी अपनी तरफ से तुम्हें मुबारकबाद देने को कहा है। तुम्हारे बारे में बाहर के लोग जब तारीफ के पुल बांधते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे सब देखने के लिए हमारे पिताजी जीवित होते तो। उनके बदले में तुम जो हो भैया। गुड मॉर्निंग बेटी। सॉरी डैडी, जॉगिंग जाने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटी। नाश्ता कर लिया? कर लिया बेटी। टैबलेट? वो भी खा ली। डॉक्टर का कहना टाल सकता हूँ पर तुझे टालना नामुमकिन है। ओह सॉरी डैडी, लगता है कोई जरूरी बात कर रहे हैं आप दोनों। डैडी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, इनके बेटे को लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे हेल्प करने को कह रहे हैं। क्या डैडी, आपकी तो मिनिस्टर लेवल में जान पहचान है, फिर इनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो ना? जान पहचान तो है इसके लिए, ऐसा कोई अनुचित काम मैं नहीं करूँगा। मिस्टर अरुण, तुम्हारा बेटा पढ़ाई में कैसा है? फर्स्ट क्लास में पास हुआ है सर। तुम एक काम करो, कल आते वक्त तुम अपने बेटे के साथ आना और मार्कशीट भी लाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। शुक्रिया सर। घर जाइए बेफिक्र होकर, आपके बेटे की सीट कंफर्म। थैंक यू। डैडी, यहाँ कुछ है। अरे ओ पोंगा पंडित। यस सर। कौन है ये सब लोग? कई सालों से हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को सताने वाले भयंकर उग्रवादी है साहब जी, इनको कल ही हमारे एसआई ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। कहाँ गया एसआई? वो वसूली के लिए बाहर गए सर। अगर हम स्टेशन में ना आए तो कोई भी ड्यूटी ठीक से नहीं करता। तुम पे भरोसा करके जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, तुम संभाल लोगे? संभाल लूंगा। अरे बहुत हिम्मत चाहिए, तू जा और जलेबी और पकौड़े लेके आ। गोकुल राम। यस सर। एक कांस्टेबल का रंगा अब्दुल्ला बीरपन हर्षद जैसा कोई नाम रखना चाहिए। गोकुल राम, कुटपा राम, मुनि राम, करुण राम जैसे विलेज लेवल का नाम क्यों रखा है तुमने? तू जा, मेरी साइकिल में पंचर लगा क्या? यस सर। टेंशन 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 रे टेंशन, हे भगवान कितने टेंशन है। उधर देखिए। रुको रुको, क्यों बे? तू अमिताभ बच्चन और ये धर्मेंद्र और ये कौन है? मैं असरानी। असरानी, तुम्हारे परिवार में किसी को ही गाने की इजाजत नहीं, वैसे तुम रॉग हो। ऊपर से इस सॉन्ग क्यों रेट पलटा रहे हो? ये हमारी गाड़ी है, पीपल्स भी जाएंगे, बोर्ड्स भी जाएंगे, फाइट्स भी जाएंगे, ये पूछने वाले आप कौन है? हम कौन है? ड्रेस से पता नहीं चलता, तुम्हारे जैसे पागलों को पकड़ने के लिए ही बीच रास्ते में खड़े हैं। हम सब बड़े लोग हैं, हमें टचपट करना था। बड़े लोग का टाटा बिरला की औलाद हो, ये का की चेन स्टाइल है, ऊ का सर पे चिड़िया का घोंसला है। अरे रे रे रे,
क्यों रे परदेसी नस्ल, तेल नहीं लगाया तुमने, मेरा हाथ छिल गया रे। ये हमारा स्टाइल है। स्टाइल है? ये गंजा है और ये बड़ा गंजा, और तूने घोंसला बना रखा है। तुम सब बड़े लोग हो, लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? लाइसेंस हमारी परंपरा में नहीं है। अच्छा, तब तो वसूली दे के जाओ तुम लोग। हमें कुछ देने की आदत नहीं, लेने की आदत। तो लेने की आदत है तुम्हें, तो फिर पुलिस मुझ पर पड़े एक एक चोर का बदला मेरा भाई आकर तुमसे लेगा। जो अभी कहो भैया भैया कहते हो। अरे कौन है वो? उसका नाम है बिल्लू गुलाटी। कहा बिल्लू गुलाटी? तुम्हारा नाम? शेरू गुलाटी। शेरू गुलाटी? बड़े का नाम बिल्लू गुलाटी, छोटे का नाम शेरू गुलाटी। अरे ये तो जानवरों की परंपरा लगती है। तुम्हारे घर चिड़िया घर में कहा छोड़ सकते हो या नहीं? में सुनाकर कांटों पर चलाऊंगा बच्चू। तुम्हारे जैसे कितने भिखारियों को हमने देखा है यार। भैया कौन है वो? अभी जिसको मारा था ना शेरू गुलाटी, उसका भाई बिल्लू गुलाटी। वो इसे कहाँ काम करता है? सीएम के पास, ब्लैक कैट के हेड है। सीएम के पास काम करता है? भैया कौन है जिसे छोटे को अंदर बंद किया? जी हम ही उसको अंदर बंद किए हैं। किसी किसी के सामने को तुमने कैसे रखा है? आपके भाई स्पेशल गेटअप में है, सर पर चिड़िया का घोंसला है, कान कछुए की तरह है। ये सब देखकर समझा कि ये भिखारियों की फैमिली है। नहीं नहीं, एजुकेटेड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली है। जानकर भी तूने मेरे भाई को अंदर किया? सॉरी जी, आपका नाम बताया होता तो हम जरूर छोड़ देता उसको। भैया उन पर विश्वास ना करना, आपका नाम बोला तो भी मारने लगे। सुन लिया? सुन रहा हूँ। खोलता हूँ, खोलता हूँ, जा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं तो जरूर खोलेंगे, हम जरूर खोलेंगे, जरूर खोलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें क्यों थैंक, हमने तो अपनी ड्यूटी की है। बिल्लू गुलाटी का भाई जाने के बाद भी अगर नहीं छोड़ा तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? है ओके, सब लोग चले गए का? जा जा जल्दी जा जा जा। लॉकअप खुला हुआ है धोरे शर्मा। इस जिंदगी में तो हम बुरा नहीं हो सकता, नहीं हो धोरे शर्मा। ये क्या लॉकअप खुला है? कहाँ गए वो लोग? सर शेरू का भाई बिल्लू गुलाटी वगैरह सब गुलाटियाँ मारते हमारे सपने में आए, कैदी ऑल एस्केप। मुझे कहानी सुना रहे हो? इतनी मुश्किल से नेटलाइट को पकड़ के लाया था, छोड़ दिया सबको, आज से तुम एक महीने के लिए सस्पेंडेड। भारत? यस डार्लिंग। तुम बहुत स्मार्ट हो। भारत तुमसे कहा ना बहुत स्मार्ट हो। थैंक यू, इसीलिए मुझे चाहती हो? हाँ, लेकिन तुम कितने बुद्धिमान हो नहीं जानती। क्यों, क्या मेरी बुद्धिमत्ता पर संदेह है तुम्हें? तो फिर मेरे सवालों का आंसर तुम दोगे? पूछो। पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं बोलो? अरे कोई रोमांटिक सवाल क्यों नहीं पूछा? तो बताओ एक लड़की को कहाँ चुम्मी दोगे? क्या सोच रहे हो, जवाब दो। नहीं, ये सब बताना मुश्किल है, करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, करके दिखाओगे, इतनी हिम्मत है? मेरी हिम्मत का टेस्ट मत लो। चेहरा जानम का, चंद्रमा पूनम का, होत रंगी तेरे ऐसे कलश रस के जैसे। तेरी मीठी बोली दिल की दुनिया डोली, तेरी सांसों में है सरगम, सासुर का ये संगम। प्यार का तू सागर, छोड़ू जीवन भर।
जलते काले चेहरा जानम का चंद्रमा पूनम का होश रंगी तेरे ऐसे कलश रस के जैसे पूरे घर को शादी का मंडप बना दिया। बड़ी मेहनत की है, रात 12 बजे आराम किया, डेकोरेशन और सुबह मुर्गा बोलने पर खत्म किया। क्या? मुर्गा बोलता भी है? मुर्गा ही बोलता है। मुर्गी बोलेगी कहा तो बहुत लोग सोचेंगे तो बिल्कुल पागल हो गया, इंडिया में ही ब्रिलियंट नंबर 2 हो गया। थोड़ा छोड़ा तो तेरी बकवास शुरू हो गई। क्यों भैया, तुमको हमारा डेकोरेशन कैसा लगा? इधर आओ ना। तुम जैसा छोटा घर सबका होगा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। इसीलिए घर भी स्वर्ग से सुंदर है। हम बड़े खुश नसीब हैं। अरे बड़ी सेंटिमेंटल बातें करने लगे, देखो मैं भी हो जाऊंगा। हाँ हम रवि एक बड़ा भाई होता तो कहा होता, सेंटिमेंट में आकर सांप को मसल कर मार देता। आपको कैसे मसल कर मारते? अरे भाई ठीक है, सेंटिमेंट में आकर। अच्छा अपना सेंटिमेंट छोड़ो, देखो उधर हम लोगों के लिए माँ जी वेट कर रही है, पहले आशीर्वाद ले लो। आइए 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 आइए। श्री राम, अपने हाथों से तुम सिंदूर और फूल लेकर सुशीला को लगाओ बेटे। मम्मी हाँ? इन फूलों सिंदूर और साड़ी से ही क्यों औरतों के दिलों में बर्फ की ठंडक जैसी खुशी की लहर दौड़ती है, बताइए। इस पे तो एक कहानी है बेटा। अरे बाप रे, कहानी फूलों में है, साड़ी में है या सिंदूर में है, और किस किस में है हमको पता नहीं, थोड़ा समझाइए नहीं तो खोपड़ी घूम जाएगी। पति जब साड़ी खरीद के पत्नी को देता है तो पत्नी सोचती है कि मेरे पति की उन्नति हो, तनख्वाह भी बढ़े, बालों में फूल लगाए तो मेरे पति को मुझसे प्यार और अधिक हो जाए, ऐसी प्रार्थना करती है। मान में उसके सिंदूर भरते ही अपने पति की आयु लंबी होने की प्रार्थना करती है। इस स्विमिंग पूल में मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। देंग देंग, 10,000 10,000 कोई है? कोई नहीं है क्या? मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं है। 10,000 सॉरी। अरे तुम लोगों में कोई मर्द नहीं है क्या है? अरे काले कलू के बैंगन, मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। हैं? इतनी हिम्मत तुझ में है जो मेरे साथ मुकाबला करे? मैं फ्लैबाज जानता हूँ, सोकबैक स्विमिंग जानता हूँ, भीतर वाटर जानता हूँ। अरे भाई से हमको इस सारी स्विमिंग मालूम है, तू जैसा करेगा हम भी वैसे कर सकता है। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे स्विमिंग कर सकते हो तुम? नॉनसेंस, तुम दोनों हाथ ऊपर करके स्विमिंग करते होंगे, हम सिर्फ नीचे करके स्विमिंग कर सकते हैं। सुनो बोले मत मुँह से, कूदो तो पूरे 10,000 दूंगा। तो आ रहे हैं। हेलो, क्या लेना तुम्हें? सिर नीचे करके तैरना होगा। अरे पीछे हटा, हमारे शहर की इज्जत बचाइए सर। घबराओ मत, अपने शहर की इज्जत बचाकर ही हम आएंगे। ये देखा
आ गए। शांत हो जाओ गोरे शर्मा, अपना सिर नीचे करके ही कूदने जा रहा है। क्यों गोरे शर्मा, ये सब कैसे हुआ? बहुत कुछ देखो देखो नीचे। ये का बुके है? अरे मौका दिया तो फूलों का हार बिछा देंगे, है ना? दिल पर रखे इस बुके को निकाल के साइड में रखो, यहाँ हमें परेशान करने चार नर्सें घूमती रहती हैं, उन्होंने देख लिया तो दफना देंगी। शर्मा आखिर मामला क्या है? वो भैंसा काला हमारे सपने में आया, इससे बीबी ने डाइवोर्स भी कर दिया, पुलिस वालों ने सस्पेंड भी कर दिया, अब इन हड्डियों का कचूमर भी बना गया। अरे पर वो है कौन, उसे आपने देखा है? अगर वो सामने आ जाए तो काट के फेंक देंगे हम। अच्छा चलती हूँ। अगली दफा आओ तो ये बुके मत लाना, दो बॉटली हार्लिक्स और कुछ मुसम्मिया ले आना प्लीज। ठीक है लाऊंगी। भगवान से प्रार्थना करूंगा। खाना लगाओ मेरे लिए, मैं भी इनके साथ खाऊंगा। मुझे वो लोग जिंदा चाहिए, गोली मत चलाओ। अरे
को क्या हो गया? पता नहीं दादी माँ। चैनल बदल के देखो। अच्छा दादी माँ। भारत, क्यों बेटा? पूरे शहर में बहुत हल्ला मचा हुआ है। मुख्यमंत्री को गोली मार दी, सच है क्या? क्या बात है, बहुत उदास हो? चेहरा भी उतरा हुआ है। यूनिफॉर्म कहाँ बेटा? क्या बोलो? अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। ये क्या है? अरे बोलो, तुम्हारे भैया भी तो साथ गए थे। कुछ बोल बेटा, उसको क्या हुआ? बोलो क्या हुआ, क्या बात है? कहाँ है तुम्हारा भाई? क्यों बेटे, बोलता क्यों नहीं? बोल मेरे बेटे, बोल। क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ, बोल। बताता हूँ माँ। बोल। एक विशेष सूचना, अंधे बच्चों के स्कूल में अपना जन्म दिवस मनाने के लिए हाजिर हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री की देश के दुश्मनों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनके स्पेशल बॉडीगार्ड मिस्टर श्रीराम भी इस हादसे में मारे। मुख्यमंत्री को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। उनके मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, पुलिस के अधिकारी और आम जनता की भीड़ लगी हुई है। Thank you.
मंत्रिमंडल के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें श्री दत्ता चौहान को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। अब तक वो राज्य के गृह मंत्री थे, उनको हमारे गवर्नर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सर, आज की कठिन समस्या में आपने इस पदवी को स्वीकार किया है, इस बुरी हालत में आप क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। मैं जनता की भलाई के वास्ते यहाँ आया हूँ, इसलिए किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहूंगा। सर, कुर्सी मिलने पर सब लोग ऐसे ही बहुत वादे करते हैं और बाद में सैलेड हो जाते हैं, आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, अब से ये राज्य सिर्फ भले लोगों के लिए, देशद्रोहियों के लिए नहीं। उग्रवादी इस देश में जो आग सुलगा रहे हैं उसमें वो खुद चलकर राख हो जाएंगे। ये सिर्फ वादा ही नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। पिछले दो महीनों में बेशुमार बिल्डिंगें गिर के बर्बाद हो गई, कुछ मंदिर और मस्जिदों को बम फेंक के तबाह कर दिया गया। कुल मिलाकर करीब 2000 लोगों की जाने गई हैं, जिनमें हमारे दिवंगत नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री की खौफनाक हत्या भी शामिल है। इनके पीछे जिनका हाथ है उन उग्रवादियों को हम अब तक पकड़ नहीं पाए। क्यों सर, आप तो जानते ही हैं कि इंडिया के चारों तरफ हजारों छोटे मोटे द्वीप हैं, इनमें से एक है होशाशोर द्वीप। हमें शक है कि इन देशद्रोहियों का अड्डा वहीं पर होगा, इसी विश्वास पर। इससे पहले भी डिपार्टमेंट ने करीब 50 लोगों को भेजा है, लेकिन उन सब लोगों के शव कुछ ही दिनों में तोते के रूप में वापस आ गए। सोवा सर, उग्रवादियों के पावर्स क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जो भी पुलिस वाला ढूंढने जाएगा उसको मरना होगा, ये हकीकत है। अब आप ही बताइए सर, अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। शेयर नॉनसेंस। लुक हियर ऑफिसर्स, हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का कहना क्या है मालूम है? अगर आज से एक महीने के अंदर इन देशद्रोहियों का हमने पता न लगाया तो सेंटर से मिलिट्री बुलाई जाएगी। हम जिसे पूरा ना कर पाए वो काम अगर मिलिट्री ने किया तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट से 100 लोग जो बड़े होशियार हैं, बहादुर हैं, हिम्मत वाले हैं, मैंने चुन लिए हैं। आप में से किसी को 3 लोगों का इंचार्ज बन के कमांड करके इस काम को खत्म करना है, इसके लिए काम तैयार है। कमान का चार्ज लेने के लिए मैं तैयार हूं। उग्रवादियों को पकड़ने की हिम्मत तुम्हारे अंदर मौजूद है। वेरी गुड मिस्टर भारत। एक्सक्यूज मी सर, उनको शाबाशी तो दे रहे हैं, साथ साथ ये भी सोचे कम उम्र है, खून गर्म है, इसलिए गहराई न जानते हुए अंदर उतर रहे हैं। गहराई न जानते हुए उतरने के लिए ये कोई तालाब नहीं जो मेंढक पकड़ूंगा, समुद्र है बड़ी मछली पकड़ने जा रहा हूं। गहराई जानने की जरूरत नहीं, हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत क्या सोच के बोल रहे हो? तुम्हारे पीछे 100 पुलिस वाले हैं, इसे हिम्मत कहते हो? दूसरों की हिम्मत का सहारा लेकर काम पूरा करना और दूसरों के द्वारा बच्चा पैदा करके उसका बाप नहीं हूं बोलना दोनों एक ही हैं। आई एम सॉरी सर। तो फिर किस विश्वास से उग्रवादियों को पकड़ने जा रहे हो? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज माय फर्स्ट वेपन। सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे हम कैसे मान रहे? ज्वालामुखी जब फटता है तभी उसमें से आग निकलती है और दूसरों को उसका पता चलता है। वेल सेड मिस्टर भारत, वेरी वेल सेड। तुमको खुद पर जो आत्मविश्वास है हमारे डिपार्टमेंट में वो हर एक को होना चाहिए। ऐसा हुआ तो उग्रवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं हम। तुमको खुद पर आत्मविश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है। सुनो बेटा, ये पुलिस की नौकरी आपसे छोड़ दो, नहीं चाहिए हमें। काम ही पूजा है, देश जान से प्यारा है समझ के तुम्हारे पिता और भैया छोड़ गए हमें। वृक्ष की शाखाएं टूट जाए लेकिन वृक्ष गिरता नहीं, अपने आप को संभाल के पड़ता है। अब ये कुटुंब भी तुम्हारे विश्वास पे खड़ा है, विश्वास पे खड़ा ये वृक्ष भी टूट जाए तो हमारे इस कुटुंब की रक्षा कौन करेगा, बोलो बेटा? सबकी जिंदगी में रक्षा की दीवार विश्वास पर खड़ी है, कभी तो विश्वास हमेशा बना रहता है, कभी वो विश्वास की दीवार टूट जाती है। इन सबसे भयभीत होकर मैं पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दूं तो इंडियन मिलिट्री में मैन ऑफ द वॉर का खिताब पाने वाले मेजर शक्ति प्रसाद का बेटा कहलाने का हर सीने जाएगा मांग। भारत, अपने बाप का बेटा बनके देश को बचाने की ताकत है तुझ में, तो अपनी माँ का बेटा बनके घर को बचाना तुम्हारा फर्ज नहीं है भैया? बोलो भाभी, झूले में सुलाकर बच्चे के लिए माँ लोरी गाती है, तो कंधे पर रखकर बाप देशभक्ति का गीत सुनाता है। पहले गाने पर नींद आएगी बच्चों, दूसरे गाने पर हिम्मत आएगी, वीरता आएगी, यही है इस मिट्टी का धर्म। देशभक्ति का गीत लोरी से भी बढ़ता है?
इसीलिए खंभे पर उठते देश के झंडे को सम्मान देकर अपने मंगलसूत्र खोकर तेरे सामने हम दो विधवाएं खड़ी हैं। इस देश को बचाने के लिए हर घर से एक योद्धा चाहिए, गांधी जी ने बोला था। उस हिसाब से भी इस घर से एक नहीं दो योद्धाओं ने बलि दे दी है। अब इसके बाद इस जीत के लिए जाना चाहता है तो इस पुलिस फोर्स से रहना चाहता है तो हिसाब करके देने के लिए क्या भीख है? हमारे देश की समस्या है, हमारे स्वतंत्र भारत के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको संसार में बदलने के लिए कुछ विदेशियों ने जाल बिछाया है। उनकी कुछ देशद्रोही पूरी मदद कर रहे हैं, उनको ढूंढ के पकड़ना होगा, टुकड़े टुकड़े करके जलाना होगा। तो विदेशी ताकतें हमारे भारत देश से मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं ले जा सकेंगे और खुदकुशी करके मर जाएंगे। उस वजह पर हर इंडियन को जय हिंद बोलते हुए खुशियां मनानी होंगी। यही है मां मेरा लक्ष्य, कर्तव्य और सब कुछ। इस प्रकार की देशभक्ति वाले बेटे को जन्म देकर सचमुच मैं बहुत खुश हूं बेटा। लेकिन तुम ये भूल रहे हो बेटे कि चाहे कुछ भी हो, एक औरत के लिए उसका घर ही देश है, बच्चे और पोते पोतियां ही उसका समुदाय है। तुम्हारे देश को खुशहाल बनाने के लिए मैं अपने घर को शमशान बना दूं, तुम्हारे समुदाय में खुशियां वापस लाने के लिए अपने परिवार की समाधि बनानी होगी मुझे। 5 वर्ष की उम्र में ही पिता की चिता को आग देकर अनाथ खड़े मेरे बेटे का सब कुछ तुम्हें, इसका भविष्य में तुम मैं देखती रही। इस भरोसे की डोर को तोड़ के जाने का फैसला कर लिया। अगर अब भी तेरा मन न बदले तो जा बेटा, जरूर जा तू, मगर जाने से पहले हम तीनों को आग देकर जा। तुम्हारे पिता और भाई की लाश को देखकर बहुत रो चुके हैं हम। अब तुम्हारी मौत की खबर सुनने की शक्ति नहीं है, हम नहीं है। अपने हाथों से मैं मार कर चला जा, मार दे हमको, मार दे, जो हाथ काम नहीं चाहिए मार दे हमको, मार दे। नो, क्यों बेटे, क्यों माँ को मारने का पाप बेटे पर आ जाएगा ये सोच के घबरा गए? नहीं माँ, नहीं, अपने आप ही पैदा हुआ है मेरा ये लक्ष्य, लेकिन मुझे पैदा किया है तुमने। तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा के मैं इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। सच बोल रहे बेटा? हाँ। मेरे सर पे हाथ रख के बोल। सच मां, तुम्हारी कसम, इस्तीफा दे रहा हूं मैं। भतीजा, ये पारिवारिक सेंटीमेंट सब यूनिफॉर्म पहनने से पहले कहां गए थे? बोलो, उस दिन तो बहुत बोल रहे थे कि समंदर में उतरूंगा, बड़ी मछली पकड़ूंगा, अब क्या हुआ? तुम सब पुलिस नौकरी के लायक नहीं हो। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। सर, आपसे मिलने एसीपी भारत इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें भेजो। कैसे आए, क्या बात है? जिस जगह नहीं जा पाऊंगा मैंने बोला था, उस जगह जाने का मैंने पक्का फैसला कर लिया है सर। नॉनसेंस आर यू ब्लैबरिंग, तुम क्या पागल हो गए हो? इस तरह अपनी मर्जी से फैसला बदलने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है या फुटबॉल ग्राउंड है? इट इज स्टुपिडिटी। सर, आपको मुझ पर गुस्सा करने का हक है, लेकिन मेरा फैसला बदलने का भी एक कारण है। गौर से सुनिए सर, सीक्रेटली जब हमारी पुलिस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए दीप जाने का मैंने चार्ज लिया था, लेकिन मेरे घर पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को मार डालने की फोन पर मां को धमकी दी थी सर। सो इससे पता चलता है कि दोषी कहीं और नहीं है सर, हमारे डिपार्टमेंट में ही है। किसी पर शक है तुम्हें? सर, पुलिस वाला चोर हो तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन उग्रवादी ही पुलिस फोर्स में छुपा हो तो उसे पकड़ना बहुत कठिन होगा सर। इसलिए किसी को कानो कान खबर ना हो
मैंने सब लोगों के सामने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मैंने इस नौकरी से इसलिए भी इस्तीफा दिया क्योंकि मां के सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी। अब बोलता हूं सर, कसम है भारत माता की, उन देशद्रोहियों को पकड़ने द्वीप तक जाऊंगा, जहरीले सांपों के सरों को कुचल कर खत्म करूंगा। यही सत्य है। गुड, तुम्हें क्या क्या चाहिए बोलो, कौन कौन से हथियार चाहिए और कितनी पुलिस फोर्स चाहिए? सर, आपके मुताबिक 100 पुलिस वालों में से एक भी क्रिमिनल निकला तो बाकी 99 लोगों की डेड बॉडीज ही आपको वापस मिलेंगी। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में किसी पर भी मुझे भरोसा नहीं है। सावधानी के लिए कुछ लोगों पर शक करें, दैट इज मेडिसिन, बट हम सब पर शक करें तो दैट इज पॉइजन। पॉइजन को बुद्धिमानी से यूज करें तो मेडिसिन का भी काम देती है सर। वैसे मुझको आपकी हेल्प चाहिए। बोलो। कल बताऊंगा सर। गुड नाइट। गुड नाइट। मिशन के लिए चारों को द्वीप ले जाने की परमिशन आपको देनी होगी। मिस्टर भारत, तुम्हारा फैसला बहुत अजीब है, बहुत अलग भी है, लेकिन साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग भी है। फांसी की सजा वाले कैदियों को मैं कैसे तुम्हारे साथ भेज दूं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इट इज हाईली इम्पॉसिबल। सर, आप चाहें तो मुमकिन हो सकता है। ऑलराइट, इन चारों को तुम्हारे साथ भेज देता हूं, लेकिन खूनियों पर भरोसा करके तुम काम नहीं कर पाओगे, मैं समझता हूं। सर, वो खूनी जरूर है लेकिन हकीकत में बहुत अच्छे हैं। समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की उनमें हिम्मत है, आवेश में आकर खून किए होंगे। भारत, उनके बारे में सब कुछ जानता हूं मैं। वो अच्छे लोग हो सकते हैं लेकिन देश को बचाने की भावना भी तो होनी चाहिए। फिर जिन कैदियों को तुम अपनी मदद के लिए ले जाना चाहते हो वहां पहुंच के तुम्हारे दुश्मन ना हो जाए, क्या गारंटी है? सर, मैंने उन लोगों के तौर तरीके, गुण अवगुण, परिवार के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही उन लोगों को चुना है, पर आपकी आज्ञा के बाद ही मैं उनसे मिलकर बात करूंगा। तुम्हारा सोचना गलत भी तो हो सकता है। अपने आप पर भरोसा है मुझे सर। प्लीज सर, सिर्फ एक मौका दीजिए मुझको, प्लीज। थैंक यू सर। पेपर के रिपोर्टर हैं? हाँ भाई। खास तौर पर तुम हमारा इंटरव्यू करने आए हो? क्यों बे पुलिस वाले, किसे धोखा देने आए हो तुम? इंसान के साए को देखते हो किस देश का रहने वाला है पहचान लेता है या मिर्जी वाला? अच्छे लोगों को जेल में डाल के मारना, बुरे लोगों को समाज में ऊंचा दर्जा देना, तुम जैसे पुलिस वालों की आदत हो गई है। उस बुरी आदत को छोड़ दो। देखो भाई, जरा मेरी बात तो सुनो। देखो मेरी बात तो। अरे भाई, तो मेरी बात तो सुन लो।
अरे भरत सुनो तो सही, कुछ मेरी भी सुन लो। बोल क्या बोलना तुझे। जिस काम से आया था सुनने से पहले ही तुम लोग मार धाड़ पर उतर आए, अगर मैं चाहता तो कहीं भी मिल सकता था, कहीं भी बुला सकता था तुमको। जैसा तुम समझ रहे हो उन पुलिस वालों में से नहीं हूं मैं। उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया, तुम्हें धोखा देने के इरादे से रूप नहीं बदला, बल्कि कानून को धोखा दे रहे लोगों तक पहुंचने के लिए। हमसे मिलने का मकसद सुनो, तुम चारों की मदद चाहिए मुझे। मदद? हम चारों को तो फांसी होने वाली है, ये तुम्हें मालूम है ना? सब कुछ मालूम है। तुम कौन हो, कैसे खूनी बने, उससे तुम्हारे परिवार कैसे बर्बाद हो गए, ये सब जानता हूं मैं। जीवन से मान मर्यादा को ज्यादा महत्व देने की शक्ति तुम में है, इसीलिए तुम्हारी बीवी की इज्जत आप लूटने वाले पुलिस अफसर का सर उड़ा दिया तुमने। आने वाले कल के इंडिया का अस्तित्व निर्भर है जवानों पर। उन्हें ड्रग्स और नशीली दवाएं दे रहा था एक डॉक्टर, और उसका पूरा सहयोग था पांच एक वर्कर का। उनसे पीड़ित हुई तेरी बहन, जिसे रोकने की तूने बहुत कोशिश की, तुमसे ना बन पाया, इसीलिए उसके टुकड़े करके तुमने उसे मार डाला। स्वार्थी बनता जा रहा है आज का समुदाय, लेकिन तुम दोनों अपने देश को ही अपनी जान समझते थे। जब एक सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग टूट कर गिर गई और बहुत से बच्चे बूढ़े उसमें बलि हो गए थे, जिसका जिम्मेदार था सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, उसको सपोर्ट करता था वो एमएलए, दोनों को बीच रोड पर पेट्रोल छिड़क कर तुमने चला दिया। तुम लोगों ने न्याय के लिए खून किया, मगर समाज विरोधी का नाम देकर सरकार ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया। इसके लिए झूठे गवाह उन्होंने तैयार किए, जिससे कोर्ट ने तुम लोगों को सजाए मौत की सजा दी। उस न्यायाधीश का लिखा फैसला अब मैं फिर से लिखने की सोच रहा हूं। क्या बोल रहे हो? फांसी की सजा वाले तुम चारों अब तुम जी नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते। अगर मेरी बात से सहमत हुए तो ये दोनों मिल सकते हैं। बाकी लोगों को छोड़कर हम चारों से मदद मांग रहे हो, उसका क्या कारण है? सुनो, तुम सौ लोगों के मारने के जितने ताकतवर होते तो भी मैं तुम लोगों से मदद नहीं मांगता। अन्याय के खिलाफ मर मिटने का एक जोश, देश के लिए कुछ कर दिखाने की हिम्मत, और इससे भी बढ़ के मनुष्य में आत्मविश्वास होना चाहिए, वो तुम लोगों में है। ये सब होते हुए अन्यायपूर्वक कानून की बनी न चढ़कर देश के लिए तुम्हें उपयोग करने की मैं सोच रहा हूं। तुम लोग सहमत हो तो जेल से कैसे बाहर निकलना है तुमको मैं बताता हूं, वरना मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। तुम ही फैसला करो। इतना समझाने पर भी तुम लोग तैयार नहीं तो तुम लोग मनुष्य ही नहीं। गुड बाय। रुके भाईजान, हमारे जीवन को कानून ने फुल स्टॉप लगाया, लेकिन आपने फिर से मार्ग दिखाया। आप जो भी मार्ग दिखाएंगे वही हमारी मंजिल होगी। मातृभूमि की शांति रंगा बोलो जय हिंद, हिंदुस्तान की जान तिरंगा बोलो जय हिंद। ये देश शहीदों का जिसको खून से है सींचा, ये देश शहीदों का जिसको खून से है सींचा, ये गांधी जैसे महानों की भूमि। बच्चों झूठ के बारे में पूछा था, बताती हूँ। यू शुड नॉट टेल लाइज, बट टू सेव समवन्स लाइफ इफ यू हैव टू देन इट्स नॉट अ लाई। इसका मतलब है कि अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं कहलाता। उदाहरण मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ, एक भले मानस को मारने के लिए एक बुरा आदमी हाथ में चाकू लिए भागता हुआ आ रहा है। तुरंत वो भला मानस हमारे घर में आके छुप जाता है। उसी समय वो बुरा आदमी आकर पूछे, यहाँ कोई आदमी भागता हुआ आया क्या? तो हम सच नहीं बोलेंगे, हम तुरंत क्या बोलेंगे? नहीं है, झूठी बोलना होगा। ऐसे समय झूठ बोलना बिल्कुल बुरा नहीं, समझ गए ना? एक और बताती हूँ, सुन। A mother feels proud to see her son dedicated to the people of his country. इसका मतलब क्या है जानते हो? एक माँ एक बेटे को जन्म देके बहुत खुश होती है अगर उसी बेटे को समाज के लोग अच्छा और बुद्धिमान बोलेंगे, तो उसे बहुत खुशी और गर्व।
भारत क्या हो बेटे? कुछ नहीं माँ, नौकरी से इस्तीफा दे दिया ना, इसलिए लोग चार बातें बोल रहे हैं। मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। फॉर अ चेंज बेंगलोर अपने दोस्त रमेश के पास कुछ दिनों के लिए जाने की सोच रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है बेटा, थोड़े दिन वहीं चले जाओ। वैसे नौकरी तो छोड़ ही दी है, जानते हो कितनी तसल्ली हुई है। कल जाऊंगा माँ। जरूर जाओ बेटा, सो जाओ। जीते रहो बेटा। बस बस बहुत हो गया बेटा, उठो। ये क्या बेटी, बहुत बड़ा सूटकेस उठा लाई हो तुम? भारत कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जा रहा है माँ, इसलिए उसकी जरूरत की चीजें और कपड़े रखे। अरे क्या बेटी, थोड़े कम कपड़े तुम रख देती तो शायद दो चार दिन पहले ही वापस लौट आता ना। संजय कहाँ है माँ? हाँ बेटी कहाँ है? भारत के लिए बाहर वेट कर रहा है। अच्छा। अरे बेटी रुक क्यों गए? कुछ नहीं माँ। बैंगलोर पहुंचते ही चिट्ठी जरूर लिखना। ठीक है माँ। क्यों छोटे नवाब, बहुत गुस्से में लग रहे हैं आप? हमें छोड़कर तुम बैंगलोर क्यों जा रहे हो? तुम्हें बैंगलोर से क्या चाहिए बोलो, मैं जरूर लाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए चाचू, तुम जल्दी वापस आ जाओ। 5 वर्ष की उम्र में ही पिता की चिता को आग देकर अनाथ खड़े मेरे बेटे का सब कुछ तुम ही हो। इसका भविष्य मैं तुम में देखती रही, इस भरोसे की डोर को तोड़ के जाने का फैसला कर लिया। क्यों चाचू रो रहे हो? हमें छोड़कर तुम जा रहे हो इसलिए ना, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बदले मैं हूँ ना यहाँ। देश की भलाई के लिए हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अगर कामयाब हो गए तो माफी मिल जाएगी हमें, ये सब तुम पर निर्भर है। बहुत होशियार रहना होगा, अपनी आंखें चौकन्नी रखनी होंगी। ओके। जैसा तुमने चाहा, सारी जरूरी चीजों और हथियारों का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। एक बात और, अगर कभी मुझको कॉन्टेक्ट करना हो तो स्पेशल वायरलेस सेट का भी बंदोबस्त कर दिया है। बहुत जरूरी बात, उग्रवादियों को जिंदा सरकार के हवाले करना होगा, भूलना मत। ओके सर। सर किसी भी कीमत पर यह बात मेरी मां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यह मैं देख लूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कैसे पहुंचे? जाओ। प्लीज भारत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देखो प्रिया, एक बहुत जरूरी काम से बेंगलोर जा रहा हूँ। कौन से बेंगलोर तुम जा रहे हो मैं जानती हूँ। वो बेंगलोर हमें भी ले चलो। नहीं, तुम वापस आओ प्लीज। हमारी बात मानो प्लीज, हमको भी ले चलो। आप झूठ बोल के कहाँ क्यों किस लिए जा रहे हो अच्छी तरह जानती हूँ, वही झूठ बोल के मैं भी आ रही हूँ। शट अप। एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने निकला हूँ, उसमें जीऊंगा या मरूंगा नहीं जानता मैं। तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो चली जाओ। एक बात और, इसके बारे में किसी से भी तुम नहीं बोलोगी। बाहर जाओ, get out। ठीक है, आओ प्रिया। देखो भारत, तुम लोगों के बारे में सचमुच किसी को नहीं बोलूंगा, कसम से हम नहीं बोलूंगा, विश्वास करो। लेकिन एक बात, शराब दो तक ज्यादा हो गई तो उगल दूंगा, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलता हूँ। मान मर्यादा हमारी, चप्पल से मारना अगर वापस आया तो।
गौरव शर्मा, साथ चलना बड़ी बात नहीं, लेकिन तुमको बहुत होशियार रहना होगा। किसी समय भी तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हें भी You saving? Oh, lady, sorry. क्यों रे, बचपन से ही सेविंग नहीं करते क्या? सेविंग किया बिना तुम अपने आप को आईने में तो देखते ही होगे। छी, राक्षस लगते हो तुम सब लोग। ओए। ओए। कहाँ ओए? हमारी डिपार्टमेंट में डेली सेव बनानी होती है। आई एम ड्यूटी में वेरी सिंसियर मैन मैन। बहुत सिंसियर कहते हो, तो तुम्हें प्रमोशन क्यों नहीं मिला? कर दिया भाई। प्रमोशन छोड़िए, ये तो 5 बार सस्पेंड भी हो चुके हैं। क्या 5 बार? हाँ, छठवीं बार ई प्रमोशन हमको दिलवाएंगे। क्यों भाई, तुम्हें हमेशा सस्पेंड क्यों करते हैं? एक बहुत बड़ी स्टोरी है मैन। वो काला पागल भैंसा हमेशा हमारे सपनों में आकर डिस्टर्ब करता रहता है। एक दिन हम और इंस्पेक्टर जीप में बाहर जा रहे थे। सुनो गोरे, सुना है तुम ड्यूटी ठीक से नहीं करते हो, तुम्हारी हमेशा कंप्लेंट मिलती है। ई बात नहीं है सर, बी केयरफुल। अब तुम्हारी कोई कंप्लेंट आई तो तुम्हें नौकरी से भगा दूंगा। जी साहब। गोली से भयभीत होकर भागे, मेरी जगह कोई घुस के तो दिखाए। इस ठेके का मालिक कलू के किसी से लड़ता है? अगर पुलिस वाला भी यहाँ आए तो उसकी आंख में उंगली डाल के काला बना दूंगा। आप यहाँ के वाचमैन हैं? काले भैंसे, हम हवलदार हैं। वो भी खाकी पहनता है, तुमने भी खाकी पहनी है। क्यों रे, पुलिस वालों की आंखों में तू उंगली डाल के काना बनाएगा? तूने उंगली का गर्म सलाखे बना रखी है। तू उंगली डाल के खाना बनाएगा तो हम तेरे नाक में ये लाठी घुसर देंगे। बड़े जोरों से हंसता खा लिया है। देखिए हवलदार, मेरी साधारण गुंडे से लेकर कमिश्नर तक जान पहचान है। कहा जान पहचान? भैंसे की औलाद, तेरे चेहरे का नक्स। इस मूंछ को देख के तुमको डर नहीं? काका बड़ी पूछ है, कितनी बड़ी पूछ देखी हमने खा लिया। खून गौरी शर्मा, तुम्हें साथ से बोल के नौकरी से निकलवा दूंगा। काका हमें गौरी शर्मा क्या ये सब? सर जी, हम जब सो रहे थे तब वो कल्लू फिर हमारे सपने में आया। उसने हमें बहुत परेशान किया है। काफी दिनों से यही कहानी सुनता रहा हूँ। दिस टाइम यू आर सस्पेंडेड फॉर 2 months एंड दिस इज माय फ्लैशबैक। गोरे चुपचाप चल। अरे जेल के कैदियों, सुनाई नहीं देता का? अरे भारत, तुमको दिखाई नहीं देता? इधर देखो, सफेद नारियल गोल मटोल सा पड़ा है। भारत, हमको लगता है भेजा बाहर निकाल दिया है। भाई इससे पता चलता है आगे मत बढ़ना, वरना भाई तुम्हारा भेजा भी निकाल देंगे। भाइयों वापस चलते हैं, चलते हैं वापस। अबे कुछ नहीं होगा यार। अरे जेल भगोड़े, तू चुप रहे। तेरा ही मरना और हुआ मरना दोनों एक हैं। अभी जीवन में हमें तो बहुत कुछ करना है। अरे हमारी बात सुनो, अरे बात सुनो भाई। एक मिनट, ये क्या रस्सी बांध रखी? वापस चले, रास्ता बंद है।
दोनों भाइयों हमें बहुत होशियार रहना होगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा औजार तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। इतने बड़े औजार से तो पूरे इंडिया को दबोचने का प्लान होगा। अब छोड़ो आ, मैं हूँ बोल रही हूँ। ये हम खुद ही बहुत कांप रहे हैं। ऊपर से हाथ रखती हो। देखो प्रिया, हमारी बात सुनो, आइंदा हमारा नाम लेकर बुलाओ। हाथ बात तुम इस जंगल में ना पकड़ो तो अच्छा है। भाइयों बहनों, अभी इतना बड़ा औजार आया था, आगे औजार का बाप आएगा। चुप करने से मुंह पचाला लगा। अरे हमारा मुंह है पर दरवाजा नहीं। दादी माँ, कहानी बीच में रोके क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा चाचू 10 दिन में लौट आऊंगा बोल के गया तो मन का ये हाल है मेरा। राम जी 14 बरस के लिए बनवास गए तो उनसे बिछड़ के उस माँ का मन कितना तड़पा होगा सोच रही हूँ। क्या हुआ? देशद्रोहियों को अरेस्ट करने के मैंने ऑर्डर दिए थे। आपके डिपार्टमेंट से आज तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं? वही आप ये गूंगे बने रहने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं क्या? बोलिए मिस्टर, कम ऑन, अब तक क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? बताता हूँ सर। ऐसी वारदात दोबारा न हो इसलिए मैंने भारत को गुप्त रूप से भेजा है। इस काम में वो विजयी होकर लौटेगा, इसका मुझे विश्वास है। भारत, भारत, क्या हुआ? भारत, ये फॉरेस्ट एडवेंचर ये सब बुक्स में पढ़ते तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन सामने देखे तो घबराहट होती है। भारत, हमें बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं, हिम्मत रखो। घबराहट कैसे नहीं, इन लोगों की शक्लें तो देखो, दुखी पीड़ित नजर आ रहे हैं। हुआ क्या भाइयों, जो रेस में हारे हुए घोड़ों की तरह मुंह लटकाए जा रहे हो है? अरे जंगल है, यहाँ का नजारा देखो और इंजॉय करो। अच्छा कोई बढ़िया सा गीत सुना है? यू 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 प्लीज यू 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 बहुत उछल रहे हो, तुम ही सुनाओ। तो तुम नहीं गा सकते? अरे जेल में ही गाते हो का? गुमनाम है कोई। अरे बाप रे, हमारा गाना हमें ही डरा रहा है। भारत भारत भारत, लगता है हमारा गाना इनको पसंद नहीं। हेलो लेडी, आप ही गाओ, म्यूजिक सेंस है तुम्हें? यस। देन स्टार्ट। ऐसी नजर न डालो खुद को।
जवानी उस पर ये मौसम जानम। का है तूफान दिल में, कहो जी इरादा क्या है। लारा लारा लाला हे अपनी भी वही है मर्जी, तुमने दिल में सो सोचा है। आसान बहुत है गिरना, मुश्किल बहुत संभलना। जवानी उस पर ये मौसम जानम। बिछड़ने का जाल आए, दिल में प्यार जाग जाए, पहले से भी ज्यादा तुझको नजर नहीं भरती क्यों जानम। एक तो जवानी उस पर ये मौसम जानम। Oh, my God.
हेलो बेटा। माँ जी? अरे अरे रमेश, आओ आओ बेटा आओ। कैसे हो तुम? मुझे क्या हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप कैसी हैं माँ जी? मैं तो अच्छी भली हूँ। किसे ढूंढ रही माँ जी? भारत तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? माँ जी मजाक कर रही हैं, उससे मिलना तो बैंगलोर से मैं आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो, तुमसे मिलने के लिए तो बैंगलोर गया था, उसके बाद तुम्हारे स्टेट बंगलों में ठहरा भी था, तुम खुद उसे खाना बना के खिला रहे हो, ये भी चिट्ठी में लिखा था। ये हो ही नहीं सकता माँ जी। भारत अगर बंगले में ठहरा होता तो वो लेटर क्यों लिखता आपको? वहाँ 4 फोन लगे हैं, डेली आपको फोन कर सकता था वो। माँ जी भारत के सारे लेटर लोकल डाकखाने से पोस्ट किए गए हैं, दोनों तरफ बॉम्बे की मोहरें लगी हुई हैं, पढ़ते वक्त मैंने भी नहीं देखा माँ जी। आपके दिल में जो दुख चिंता और गुस्सा रहा है उसे समझ सकता हूँ। सगा बेटा झूठ बोल के कसम खा के धोखा दे गया आपको, गलत है। लेकिन बहन क्या करें, देश की खातिर कुछ अच्छे काम करते वक्त बेटा ही क्यों ना हो, महात्मा ही क्यों ना हो, ऐसी कुछ गलतियों को हमें माफ कर देना चाहिए देश की भलाई के लिए। इस दुनिया में पैदा हुआ मानव बुद्ध गांधी ईसा जैसा होता तो देश में सरकार मिलिट्री पुलिस इन सब की जरूरत ना पड़ती। हमें भी ऐसी नौकरी करने की जरूरत नहीं थी जिसमें जान का खतरा होता। लेकिन हम लोगों में कुछ लोग जानवरों की तरह जीने की सोच रहे हैं तो कुछ लोग शिकारियों की तरह, इसलिए जानवर का शिकार करना पड़ता है। तुम्हारे बेटे के अंदर मातृभक्ति तो है ही, साथ में देशभक्ति भी है। माँ की ममता और मातृभूमि का प्यार देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है, और दोनों मजबूत हो तो बुनियाद भी अच्छी होगी। इसलिए प्यार और भक्ति में मुकाबला करना आपको छोड़ देना चाहिए बहन। हैं? अरे भारत, 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 आगे चलना मुश्किल है, क्यों लेकर आए हमको अपने साथ है? ए, तूने बोला था हूँगा। अरे वो तो एक फॉर्मेलिटी के लिए कहा था, तुम मना कर देते हमको। ठीक है जाओ, एक कार का बंदोबस्त करो, नहीं तो सब हमें स्थिति तक छोड़ कर आओ। समय तेरा जिंदा काट दूंगा। टूर तो बहुत मजेदार है भाई, आओ चलते हैं। इसे देखो सब लोग मुंह फुलाए मुच्छड़, गुस्सा देखो। स्टॉप, सब लोग पीछे हो जाओ। क्या हुआ? भारत मेरे पैर के नीचे आग का गोला है। एक विकेट आउट। शट अप, आग का गोला? हाँ, मैंने अपना पैर हटाया तो फट जाएगा, सब लोग खत्म हो जाएंगे, पीछे हटो। बैक, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे भूल जाओ, सब लोग पीछे हो जाओ। गो बैक। डरो मत। भारत कोशिश बेकार। बैग वगैरह निकाल लो। सुनो भाइयों, जब मैं 1, 2 और 3 बोलूंगा इस रस्सी को खींचना, ओके? बी केयरफुल। 1, 2, 3। राजा स्केप हो गए बेटा, अगर हम रस्सी थोड़ी लूज छोड़ देते तो आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाते और लोग तुम्हें ढूंढते रह जाते। तुम जैसे पुलिस वाले कितने आए और चले गए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, सबने मौत को गले लगाया। हा,
बंदी हो गई, जैसे जेल में बैठे हो लग रहा है ना। सब लोग हटके दूर बैठे हो और ये हमारे मुंह के सामने इनको आग भी चलाने की। उस छोकरी को लाओ। Yeah.
प्यार मुझे कर ले, बार बार कर ले। बेटी, उन्हें मत जगाओ। अगर मुझे देख लिया तो गुस्से में आ जाएंगी। उनकी अच्छी तरह देखभाल करो, कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। चलता हूं। सुनिए,
माधी का जीना मरना सब कुछ आपके हाथ में सर। वही जो हमने मैप में देखा था, देख ली ना जरा? ठीक है वापस चलते हैं। जरा हमें भी दियो। क्या कर रहे हो? चल के आए, मार को मुड़ के देखने वाला ही मनुष्य है। ए, मुहावरा बोलने का समय नहीं है। मुहावरे रात को 1 बजे बोलू तो मान लोगे, रात को 3 बजे बताओ तो मानोगे। कैदियों के साथ यहाँ मिस्टेक है। गेम हो जाए। अरे
जीत गया, बहुत अच्छा, तू जा। अच्छा है। अरे मुनिराम। क्या सर? अरे यहाँ कोई भी नहीं जीत सकता मुझसे, जीतेगा भी तो यही हाल होगा उसका, जीतेगा कुत्ते। मुझसे जीत के ताला, कोई नहीं जीत सकता मुझसे। अपने बेटे की याद में दुखी होकर माँ की मौत से लड़ रही है। आप अगर चाहें तो भारत को तुरंत बुला सकते हैं, किसी तरह बचा लीजिए माँ जी को, प्लीज सर, प्लीज। डीजीपी रविशंकर। हेलो भारत। एक गुड न्यूज, देशद्रोहियों के अड्डे को हमने ढूंढ लिया है। सिर्फ एक हफ्ते में उस गैंग के सभी लोगों को अरेस्ट कर लूंगा। आपको मैं थोड़ी देर में दूसरी न्यूज दूंगा। ओवर। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। भारत, इस वक्त मैं तुम्हारे घर से बोल रहा हूँ। मेरे घर से? क्यों सर? तुम्हारी माँ को सब मालूम हो गया। माई गॉड, मेरी माँ को सब पता चल गया। सर, मेरी माँ कैसी है? सर, अब तो सब पता चल गया माँ को, बस एक बार अपनी माँ से बात कर सकता हूँ? प्लीज सर। माँ जी, माँ जी, भारत लाइन पर है। इधर दो बेटी। हेलो 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 भारत, हेलो। क्या हुआ सर? सॉरी, लाइन कर गई है बेटी। होने जा रहे भारतीय एकता दिवस में मुख्यमंत्री भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन एनी मरिया देवी भी हिस्सा ले रही हैं। उसी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री को खत्म कर देंगे हम। एक बात और, उसी वक्त एनी मरिया देवी को भी खत्म कर दो। क्यों? दुनिया भर में सब एनी मरिया देवी को भगवान मानते हैं। ऐसी महान देवी को अगर हम मार दें तो इंडिया में ही नहीं, दुनिया में लोग मजहब के नाम पे लड़ मरेंगे। क्या नाम बताया उस बुढ़िया का? एनी मरिया। खत्म समझो।
तुम्हारे आइडिया के लिए मेरा टोकन एडवांस 15 लाख रुपए, बाकी काम होने पर प्रॉपर्टी होगी स्विट्जरलैंड में और मजा वाशिंगटन में। थैंक यू। तेरे पास करता है दिल बाबा, इशारा है हरदम जवान, यही तो है सीख रहे लड़की चाहे लड़का, तेरे बिना मैं लड़की नहीं, ना मेरे बिना तू लड़का। तुम्हारा जवान देख के दिल में मेरे प्यार भड़के, तुम्हारा जवान देख के दिल में मेरे प्यार भड़के, तू दिए अब तो कमी कोई नहीं, लड़का चाहे लड़की कोई, लड़की चाहे लड़का, तेरे बिना मैं लड़की नहीं, ना मेरे बिना तू लड़का। Thank you.
छमिया। कैसी है? अच्छी हूँ। अच्छी हूँ। आज के बाद तू अच्छी नहीं रहेगी। प्यार मुझे कर ले। झिंग चक चक झिंग झिंग चक। बोल बोल, तेरे साथ आए कुत्ते कहाँ छिपे हैं? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। बोल दे, कहाँ छिपे हैं? हाँ बोल। सच, मैं अकेली हूँ। बोल। नहीं नहीं, वाह वाह, कमाल हो गया। मेरे अड्डे पे आके तू निडर खड़ा है। वाकई तू मर्द की औलाद है, इसलिए मैं तुझे बधाई देता हूँ। लेकिन तलवार मैं अंत से निकाल के बाहर नहीं रख सकते। क्यों, क्या बोलता है? इसके साथ आए लोग कहाँ छुपे हैं? बोला जबान नहीं खोलेगा तो मारा जाएगा तू। साहब, इस जगह को हमने पूरा छान मारा, कोई भी नहीं है। ये बात है। अच्छा, कहाँ है वो लोग? बोल, नहीं बोलेगा तू, नहीं बोलेगा तू, नहीं बोलेगा तू। जय जय इंडिया, तुम्हारी जय। सुनो, ये सब कुछ थोड़े समय के लिए है, क्योंकि शाम को होने वाले भारतीय एकता दिवस समारोह में तुम्हारे माननीय मुख्यमंत्री और उसमें वीआईपी बन के आई एनी मारिया देवी भी मरने वाली है। इस काम के लिए जाना प्रसाद जी के साथ मेरे आदमी भी हेलीकॉप्टर से वहां गए हैं। एनी मारिया देवी की मौत से भारत का सर्वनाश हो जाएगा। बेचारा। अरे तब तक तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा, कुछ ही घंटों में इंडिया की तबाही होगी। और उससे पहले तू खत्म हो जाएगा। बस कुछ ही घंटों में इंडिया की तबाही होगी। Oh,
मानना पड़ेगा तू जिंदा लौट आया बास्टर्ड। बम फट जाएंगे सवाल ना निकले तो हमारे बम हमें पर फट जाएंगे इनको रोकना होगा तभी हम हेलीकॉप्टर से निकल सकते हैं बुलेट खत्म हो गए अब क्या करें Yeah,
हमें फौरन निकलना होगा। उनको कोई नहीं बचा सकता। कोई बात नहीं सर, आप जाइए जाइए। पॉकेट में क्या है?
राम सत्य है, 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 सत्य है राम नाम, सत्य है राम नाम, सत्य है राम नाम, सत्य है राम नाम, सत्य है। क्यों कैसे रो रहे हो? हमें छोड़कर तुम जा रहे हो इसलिए ना? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बदले मैं हूँ ना यहाँ। भारत अनर्थ हो गया सब छोड़ के। तुम माँ जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करो, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। इसे घबराओ मत, हमारी जान क्यों ना चली जाए, इसको नहीं छोड़ेंगे। हर धर्म और मजहब को एक मानने वाली एनी मरिया देवी आज हमारे बीच दुनिया की एकता का दिवस मनाने पधारी हैं। इस समारोह में आए आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान दत्ता चौहान जी से गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों को संबोधित करें। पूरे संसार में भाईचारा, अमन और एकता को बढ़ावा देना ही अपना काम और लक्ष्य मानकर जी रही वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन एनी मरिया देवी का हमारे हिंदुस्तान में हार्दिक स्वागत। दुनिया एक है, भगवान एक है, हम सब उसकी प्रजा हैं। प्यार और मोहब्बत हर इंसान में होनी चाहिए, ऐसी भावनाएं दुनिया में बांटने के बाद इस महान देवी ने इस समारोह में आकर हमारा मान बढ़ाया, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। समारोह में भाग लेने आई मुख्य अतिथि एनी मरिया देवी मुझे एक भगवान का रूप नजर आ रही है। उनको इंडिया के छोटे छोटे गांव में जाना होगा, उनके भ्रमण से भारत में फिर से अमन और शांति लौट आएगी। एनी मरिया देवी अपना पूरा जीवन दुनिया के हर कोने में जाकर हर धर्म और मजहब के लोगों से मिलकर प्यार की भावना पैदा की। हमारे देश में भी प्यार और एकता की भावना हर आदमी में होनी चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं एक इंडियन हूँ, भारत माता का बेटा हूँ, ये कहते हुए मेरे दिल में खुशी हो रही है। ये देशभक्त नहीं, देशद्रोही है। Yeah!
कैदियों को जेल से भगाकर सरकार से परमिशन लिए बिना हिंदुस्तान की सरहद को पार करना कानून की नजर में जुर्म है, लेकिन ये सब कुछ देश को बचाने के मकसद से किया गया ये साबित हो गया, क्योंकि देश या कानून दोनों में से देश की सुरक्षा का दर्जा बल है। भारत, फांसी के कैदी और उनकी मदद करने वाले डीजीपी रविशंकर सब निर्दोष हैं, लिहाजा ये अदालत इन सबको बाइज्जत बरी करती है। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। आपका एड्रेस? नंबर 5 अंजुमन स्ट्रीट अंधेरी। इससे पहले कभी उस स्ट्रीट में खून हुआ है? नहीं तो अब खून होगा। हेलो, जरूर खून होगा हुआ। मातृभूमि की शान तिरंगा बोलो जय हिंद, हिंदुस्तान की जान तिरंगा बोलो जय हिंद। ये देश शहीदों का जिसको खून सहे सींचा, ये गांधी जैसे महानों की भूमि।